Hello students, today we will discuss what to study and why to study for communication system electronic science. Aaj hum discuss karenge kya importance hai communication system ki aapke syllabus mein, hame kyu padhna chahiye ye subject aur kya kya padhna hai hame is subject mein. Ye sari cheeze aaj hum discuss karenge. Jaisa ki hum sabhi jante hain ki electronics branch ke liye communication system sabse important subject hota hai. जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा नाम लें तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन तो आपके ब्रांच के नेम में ही होता है. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट. तो हमें आज यहां पर देखना है कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कितना इंपॉर्टेंट है. तो अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो यूजीसी नेट में एवरी ईयर यू कैन एक्सपेक्ट 6 to 8 questions from electronic science communication system. 6 to 8 questions means 12 to 16 marks every year. So agar kisi subject se aap 16 marks tak ke question expect kar sakte ho every year, so aapke liye bahut hi important subject hoga exam point of view se bhi. Theek hai, to ab hum discuss karenge ki subject mein hame kya kya study karna hai aur kya prerequisite hai is subject ki. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्री रिक्विजिट्स क्या हैं इस सब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए. तो जो आपकी प्री रिक्विजिट है उसमें आपका सबसे फर्स्ट पॉइंट होगा कि आपको बेसिक फोरियर ट्रांसफॉर्म का नॉलेज होना चाहिए. बेसिक फोरियर ट्रांसफॉर्म क्यों नॉलेज होना चाहिए हमें? फोरियर ट्रांसफॉर्म का, फोरियर ट्रांसफॉर्म का नॉलेज हमें इसलिए होना चाहिए क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम में हर एक सिग्नल की आपको बैंडविड्थ कैलकुलेट करनी होती है और बैंडविड्थ की यूनिट आप जानते हैं हर्ट्स होती है. हर्ट्स फ्रीक्वेंसी मींस आपको हर एक टाइम डोमेन सिग्नल का स्पेक्ट्रम बनाना होता है. हर एक टाइम डोमेन सिग्नल को आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना होता है और टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन हम फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज करके ही कन्वर्जन कर सकते हैं. इसलिए अगर आपको कम्युनिकेशन सिस्टम स्टडी करना है तो ये सबसे पहली आपकी प्री रिक्विजिट है कि आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म का बेसिक्स आना चाहिए. क्लियर है अच्छे से? नाउ सेकंड प्री रिक्विजिट जो है आपकी वो है आपको बेसिक मैथ्स, बेसिक मैथमेटिक्स के फॉर्मुलेज आने चाहिए. स्पेशली यहां पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुले आने चाहिए, लाइक साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी, ठीक है, साइन ए प्लस बी, ऐसे फॉर्मुलेज, कॉस ए प्लस बी, क्योंकि ये फॉर्मुलेज जो हैं वो आपके डेरिवेशंस में, वो आपके न्यूमेरिकल्स में काफी ज्यादा यूज होते हैं इन केस ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम. ठीक है, तो इतना नॉलेज अगर आपको है बेसिक मैथ्स का और बेसिक फोरियर ट्रांसफॉर्म का तो आपको कम्युनिकेशन सिस्टम स्टडी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, नाउ अब अगर मैं यहां पर बात करूं आपके सिलेबस की, हमें क्या क्या स्टडी करना है और किस ऑर्डर में हमें स्टडी करना चाहिए, तो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपका सिलेबस दिया है आप उस ऑर्डर को कभी फॉलो मत करिए. ठीक है ना, आप उस ऑर्डर को फॉलो करिए जिससे कि अगर आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है तो वो फर्स्ट चैप्टर आपका सेकेंड चैप्टर में हेल्पफुल हो. अगर आपने सेकेंड चैप्टर पढ़ा है तो थर्ड चैप्टर पढ़ने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. सिलेबस के हिसाब से अगर हम अपना स्टडी करेंगे, उस ऑर्डर के हिसाब से स्टडी करेंगे, तो हो सकता है कि हम सेकेंड चैप्टर तो पढ़ लें लेकिन अभी तक हमें जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना चाहिए था वही हमें क्लियर नहीं है. तो हम जो सिलेबस फॉलो करेंगे वो इस तरीके से करेंगे कि हमें सीक्वेंस में स्टडी करने में कोई प्रॉब्लम ना आए. ठीक है, तो यहां पर आपका जो फर्स्ट चैप्टर होगा, फर्स्ट चैप्टर हम स्टडी करेंगे बेसिक, या बोल सकते हैं आप इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं क्या क्या यहां पर कंसीडर करूंगा. इंट्रोडक्शन पार्ट में सबसे पहला पॉइंट होगा आपका बेसिक ब्लॉक डायग्राम. तो कम्युनिकेशन सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि कम्युनिकेशन सिस्टम का बेसिक ब्लॉक डायग्राम क्या है. बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन भी आप इसे बोल सकते हैं. आप बेसिकली अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि कम्युनिकेशन होता क्या है. ठीक है, मैं अभी ये डिस्कस नहीं कर रहा कि कम्युनिकेशन क्या होता है, वो आप
फर्स्ट वीडियो में जब हम लेक्चर्स की वीडियो स्टार्ट करेंगे तब आप फर्स्ट वीडियो में उस चीज को अंडरस्टैंड कर जाएंगे। अभी मैं आपके लिए सिर्फ ये डिस्कस कर रहा हूं कि हमें क्या क्या स्टडी करना है और किस ऑर्डर में स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम बेसिक ब्लॉक डायग्राम स्टडी करेंगे, उसके बाद हम बेसिक्स ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। जैसा कि मैंने आपको प्री रिक्विजिट में भी बोला कि आपको बेसिक्स पता होना चाहिए फोरियर ट्रांसफॉर्म का, ऑल दो ये एक्सपेक्टेड है कि आपको पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, बेसिक फॉर्मुलेस जो आपके कम्युनिकेशन सिस्टम के सिलेबस में यूज होंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ मॉड्यूलेशन। बेसिक्स ऑफ मॉड्यूलेशन मीन्स मॉड्यूलेशन क्या होता है, मॉड्यूलेशन की नीड क्या है, मॉड्यूलेशन कितने टाइप के होते हैं, लाइक सिंगल टोन मॉड्यूलेशन और मल्टी टोन मॉड्यूलेशन, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पावर एंड बैंडविथ। पावर एंड बैंडविथ आर कॉल्ड कम्युनिकेशन रिसोर्सेस एंड दे शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल। हम डिस्कस करेंगे क्या होता है पावर इन केस ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, क्या होती है आपकी सिग्नल की बैंडविथ, क्या होती है आपके चैनल की बैंडविथ। तो ये बेसिक्स हम स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट में, चैप्टर नंबर 1 में। और आप इस बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट से एवरी ईयर एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पूरा ही आपका थ्योरिकल पार्ट होगा ये, तो आप इससे 2 मार्क्स का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं चैप्टर नंबर 1 से। क्लियर? नाउ सेकेंड चैप्टर। सेकेंड चैप्टर में हम स्टडी करेंगे एनालॉग कम्युनिकेशन का फर्स्ट टॉपिक, जो कि आप बोल सकते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। बेसिकली जो आपका कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें जो आपका मेजर टॉपिक्स हैं वो आपके मॉड्यूलेशन ही हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे मॉड्यूलेशन को एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम उनके जनरेशंस पढ़ेंगे, डी मॉड्यूलेशन टेक्निक्स पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट जो भी जनरेशन टेक्निक्स और डी मॉड्यूलेशन टेक्निक्स होगी उन्हें डिटेल में स्टडी करेंगे, उनका पूरा थ्योरिकल एनालिसिस करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर समझने की ज़रूरत भी है कि यूजीसी नेट में आपके सिर्फ न्यूमेरिकल्स नहीं आते या सिर्फ थ्योरी नहीं आती, इट्स अ वेरी वेल कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ न्यूमेरिकल्स एंड थ्योरी। सो आपको थ्योरी में भी अच्छा होना है और न्यूमेरिकल्स में भी अच्छा होना है। तो आपको बेसिकली थ्योरिकल पार्ट भी डिटेल में एनालिसिस करना है और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी करनी है और कोशिश करनी है कि गेट के 1 मार्क के न्यूमेरिकल्स आप सारे सॉल्व कर लें। मैं यहाँ पर आपको सारे न्यूमेरिकल सॉल्व भी कराऊंगा, कुछ न्यूमेरिकल्स आपके काफ़ी लेंदी भी होंगे, लेकिन हमें कभी ये नहीं सोचना कि हमारे एग्जाम में लेंदी न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, वही न्यूमेरिकल्स होंगे जो आपके कंसेप्ट बनाएंगे। तो उसके कारण अगर कोई स्मॉल न्यूमेरिकल भी आता है उस लेंदी पार्ट में से तो आप बहुत ही स्पीड से उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। तो इन बातों को आपको हमेशा माइंड में रखना है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पे अगर मैं वापस आऊं तो जनरेशन एंड डी मॉड्यूलेशन स्टडी करेंगे हम लोग। इसके अलावा हम लोग बेसिक इक्वेशंस देखेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के। तो ये जो सारी चीजें हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में स्टडी करेंगे ये हम किन किन मॉड्यूलेशन स्कीम के लिए स्टडी करेंगे, क्योंकि जो आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है आपका उसके आपके टोटल 4 टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बेसिक, जिसे हम लोग DSB FC के नाम से भी जानते हैं, डबल साइड बैंड विथ फुल कैरियर। एक होता है आपका DSB SC, डबल साइड बैंड विथ सप्रेस्ड कैरियर। एक होता है हमारा SSB SC, और लास्ट होता है हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में VSB, वेस्टिजियल साइड बैंड। सो डबल साइड बैंड विथ फुल कैरियर, डबल साइड बैंड विथ सप्रेस्ड कैरियर, सिंगल साइड बैंड विथ सप्रेस्ड कैरियर, वेस्टिजियल साइड बैंड, ये 4 हम मॉड्यूलेशन स्कीम्स स्टडी करेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में। उनके जनरेशन देखेंगे, उनके डी मॉड्यूलेशन देखेंगे, उनके बेसिक इक्वेशन देखेंगे, और बेसिक इक्वेशन के साथ साथ ही हम लोग बेसिक इक्वेशन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट मॉड्यूलेशन स्कीम स्टडी करेंगे, सिंगल टोन मॉड्यूलेशन। सिंगल टोन मॉड्यूलेशन हम स्टडी करेंगे इन सभी मॉड्यूलेशन स्कीम्स के लिए। तो आप देखेंगे किस तरीके से हम बेसिक इक्वेशन में ही मैसेज सिग्नल की एक वैल्यू पुट करेंगे जिससे हमें सिंगल टोन मॉड्यूलेशन अचीव होगा।
तो ये सारी चीजें हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और सिंगल टोन मॉड्यूलेशन के साथ साथ ही हम पावर एंड बैंडविड्थ का एनालिसिस करेंगे। तो आपको ये पॉइंट समझना होगा कि यहां पर आपको चार मॉड्यूलेशन स्कीम पढ़नी है, फोर। तो इनके ऑब्वियस सी बात है कुछ एडवांटेजेस होंगे, कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे। हो सकता है डीएसबी एफसी की कुछ लिमिटेशंस हों जो डीएसबी एससी में कवर हो जाएं, डीएसबी एससी की कुछ लिमिटेशंस हों जो एसएसबी एससी में कवर हो जाएं, एंड सो ऑन। तो ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो ये जो चैप्टर है आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, यहां से आप एवरी ईयर 2 to 4 marks का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं एवरी ईयर। तो जो फर्स्ट चैप्टर था वहां से आप 2 marks की एक्सपेक्टेशन रख सकते थे, लेकिन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से आप 2 to 4 marks, हो सकता है कभी 2 marks का हो सकता है कभी 4 marks का हो जाए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टडी करेंगे वो होगा आपका एंगल मॉड्यूलेशन। एंगल मॉड्यूलेशन मीन्स होता है आपका फ्रिक्वेंसी और फेस। तो यहां पर हम स्टडी करेंगे फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेस मॉड्यूलेशन। तो यहां पर भी हम फेस मॉड्यूलेशन और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स डिस्कस करेंगे, लाइक नैरो बैंड, वाइड बैंड। उसके अलावा हम डिस्कशन करेंगे उनके बेसिक इक्वेशंस, पावर, बैंडविड्थ, एंड हम डिस्कशन करेंगे जनरेशन एंड डी मॉड्यूलेशन टेक्निक्स फॉर एंगल मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो यहां पर भी आपकी सारी चीजें सेम रहेंगी। अगर मैं टॉपिक्स के नाम की बात करूं जो आपने सेकेंड चैप्टर में स्टडी किया है, लाइक टाइप्स नैरो बैंड FM और वाइड बैंड FM, या नैरो बैंड PM, वाइड बैंड PM, ठीक है। जनरली हम FM का ही एनालिसिस करते हैं और हम देखते हैं कि जो वाइड बैंड आपका FM है उसके सारे इक्वेशन सिमिलर होते हैं वाइड बैंड PM से। तो वाइड बैंड PM का हम डिफरेंट एनालिसिस नहीं करते हैं, हम वाइड बैंड FM के ही सारे फॉर्मुलेस यूज कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें भी हम यहां पर डिस्कशन करेंगे, क्लियर है अच्छे से। और साथ ही साथ हम दोनों चैप्टर में जो कि आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है और आपका एंगल मॉड्यूलेशन है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल भी स्टडी करेंगे। यहां पर एंगल मॉड्यूलेशन में मैं आपको एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहूंगा डीमॉड्यूलेशन टेक्निक में, जो कि है आपका PLL, फेस लॉक लूप। इस टॉपिक से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं एवरी ईयर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, फेस लॉक लूप। तो यहां पर इस चैप्टर से भी आप 2 marks से 4 marks तक के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं आपको कंबाइनली बोलूं सेकेंड और थर्ड चैप्टर से, तो आप एवरी ईयर 6 marks तक के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं एवरी ईयर। तो ये सेकेंड और थर्ड चैप्टर जो कि आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फेस मॉड्यूलेशन और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। नाउ नेक्स्ट जो चैप्टर हमें स्टडी करना है, चैप्टर नंबर 4, यहां पर आपको स्टडी करना है रिसीवर्स। तो रिसीवर्स में आप बेसिकली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के रेस्पेक्ट में रिसीवर स्टडी करेंगे और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन के रेस्पेक्ट में भी रिसीवर स्टडी करेंगे। तो यहां पर हम टाइप्स ऑफ रिसीवर, दैट इज TRF रिसीवर एंड सुपर हेड्रोडाइन रिसीवर, ये दो टाइप के रिसीवर हम यहां पर स्टडी करेंगे, ट्यून्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी रिसीवर TRF रिसीवर एंड सुपर हेड्रोडाइन रिसीवर SHD रिसीवर। तो इनका भी हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। सुपर हेड्रोडाइन रिसीवर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और रियल लाइफ में भी यही आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। TRF की लिमिटेशंस हैं अपनी, लेकिन सुपर हेड्रोडाइन रिसीवर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, ये लिमिटेशंस को ओवरकम करता है TRF रिसीवर की। नाउ सुपर हेड्रोडाइन रिसीवर में भी एक बहुत ही मेजर लिमिटेशन हम स्टडी करेंगे या डिसएडवांटेज हम स्टडी करेंगे, इमेज फ्रिक्वेंसी प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम कब आती है, ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो ये इमेज फ्रिक्वेंसी वाला टॉपिक भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा इस सुपर हेड्रोडाइन रिसीवर में या रिसीवर चैप्टर में। तो यहां से आप एवरी ईयर
टू मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिसीवर टॉपिक से, ठीक है। तो नेक्स्ट जो चैप्टर हमें स्टडी करना है, चैप्टर नंबर 5, यहां से हम स्टार्ट करेंगे अपना डिजिटल कम्युनिकेशन। डिजिटल कम्युनिकेशन में सबसे पहले हम ये स्टडी करेंगे कि डिजिटल कम्युनिकेशन किस तरीके से आपके लिए एडवांटेजियस है एज कंपेयर टू एनालॉग कम्युनिकेशन, और क्या डिसएडवांटेज भी हो सकती हैं विद रिस्पेक्ट टू एनालॉग कम्युनिकेशन। जो आपका फर्स्ट चैप्टर होगा डिजिटल कम्युनिकेशन में, वो भी होगा आपका मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो यहां भी हम डिफरेंट डिफरेंट डिजिटल मॉड्यूलेशन स्कीम्स स्टडी करेंगे। तो यहां पर आपका दो तरह का मॉड्यूलेशन स्कीम्स होती हैं, एक होता है आपका बेस बैंड और एक होता है आपका बैंड पास। तो ये जो हमारा डिटेल एनालिसिस होगा बेस बैंड और बैंड पास का, यही आपका कंप्लीट होगा चैप्टर नंबर 5। तो बेस बैंड के अंदर हम PCM पल्स कोड मॉड्यूलेशन, DPCM डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन और डेल्टा मॉड्यूलेशन, इन पे हम डिटेल में फोकस करेंगे। और बैंड पास के अंदर हम ASK PSK और FSK, इन पे डिटेल फोकस रखेंगे। ऑल्दो आपके सिलेबस में बेस बैंड कम्युनिकेशन को इतना हाईलाइट नहीं किया है, लेकिन स्टिल ये कम्युनिकेशन सिस्टम का एक बहुत ही मेजर टॉपिक है, तो हम इसे डिस्कस जरूर करेंगे, स्टडी जरूर करेंगे, ठीक है। और बैंड पास को आपके सिलेबस में काफ़ी हाईलाइट किया है, ASK PSK FSK। ऑल्दो बैंड पास में भी आप आगे जाके एम अरे सिग्नल्स की स्टडी कर सकते हैं, लाइक एम अरे PSK, लाइक 16 अरे PSK और 256 अरे PSK, ठीक है। तो ये आप हायर ऑर्डर की स्टडी भी कर सकते हैं, लेकिन ये भी आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, बट स्टिल हम इसकी स्टडी डिटेल में करेंगे क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर हम कोई सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं तो हमें उसे डिटेल में ही स्टडी करना है, ठीक है, ताकि UGC नेट का एग्ज़ाम जब हमारा कवर हो जाए और हमें कोई भी और PSU एग्ज़ाम देना हो, कोई भी और टेक्निकल एग्ज़ाम देना हो, तो हमें कंसेप्ट पता हो, ठीक है। वैसे भी आपके सिलेबस में भले ही मेंशन ना हो डायरेक्ट फॉर्म में कुछ टॉपिक्स इसमें से, बट स्टिल यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन बिकॉज दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन केस ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन जो है चैप्टर नंबर 5 बहुत ही बड़ा चैप्टर होने वाला है, और इसमें आप PCM पल्स कोड मॉड्यूलेशन, DPCM DM ASK PSK FSK और हायर ऑर्डर MRA PSK वगैरह स्टडी आप यहाँ पर करेंगे। इन सभी के लिए आप लोग सेम चीज़ें देखेंगे, लाइक जनरेशंस, लाइक डी मॉड्यूलेशन, लाइक बेसिक इक्वेशन, बैंडविड्थ, पावर, एवरीथिंग। तो डिटेल में इनका थ्योरिकल एनालिसिस हम पहले करेंगे, उसके बाद रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। एक और पॉइंट मैं आपको डिस्कस करूंगा चैप्टर नंबर 5 तक, स्पेशली चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 5 में, जहां पर हम मॉड्यूलेशन स्टडी करेंगे, हम यहां पर सारे रिलेटेड डेरिवेशन भी करते चलेंगे। उससे हमें फ़ायदा क्या होगा, उस डेरिवेशन के बीच में से अगर कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया जो कि डायरेक्ट भी हो सकता है एग्जाम में आपके लिए, तो आपको बाकी स्टूडेंट से एडवांटेज मिले, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि ये हमारा प्योर थ्योरिकल एग्जाम है तो इसमें डेरिवेशंस हम नहीं पढ़ के जाएंगे या हम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे। तो ये एक्चुअली मिसकंसेप्शन है। जब तक आप डिटेल में कंसेप्ट नहीं समझेंगे, तब तक आपसे ना तो थ्योरी सॉल्व हो पाएगी, ना ही जो इजी न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके एग्जाम में वो सॉल्व हो पाएंगे, ठीक है। जब आप एक सब्जेक्ट को लो लेवल से लेकर मीडियम लेवल से लेकर हाई लेवल तक कंप्लीट स्टडी कर लेते हैं, तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आए या कोई भी थ्योरी आए आपसे वो हो जाएगी। एक और पॉइंट है यहां पर आपके लॉजिकल थ्योरिकल क्वेश्चन बहुत आते हैं, लाइक एसर्शन एंड रीजन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, या जो आपके मल्टी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, वहां पर भी अगर आपने डेरिवेशंस किए हैं या आपने लेंथी न्यूमेरिकल सॉल्व किए हुए हैं, तो आपको कंसेप्ट समझ में आता है
कि हां मैं इस तरीके से इस थ्योरी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं, क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन भी जो होते हैं आपके वो मेमोरी बेस्ड बहुत कम होते हैं, लॉजिकल ज्यादा होते हैं, और लॉजिक डेवलप आपका हमेशा डेरिवेशंस और क्वेश्चन से ही होता है। ठीक है, इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 5। यहां से आप 2 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं एवरी ईयर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 6। अब हमने चैप्टर नंबर 5 तक एनालॉग कम्युनिकेशन के जो मॉड्यूलेशन स्कीम्स होती हैं वो स्टडी कर ली हैं, डिजिटल कम्युनिकेशन में जो मॉड्यूलेशन स्कीम्स होती हैं वो स्टडी कर ली हैं। तो चैप्टर नंबर 6 में हम स्टडी करेंगे नॉइस इन एनालॉग कम्युनिकेशन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन डिजिटल कम्युनिकेशन। तो ये दोनों चीजें ही हम स्टडी करेंगे इन केस ऑफ चैप्टर नंबर 6। ऑल दो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर आपका डायरेक्ट मेंशन नहीं है सिलेबस पे, तो हम इसको बहुत ब्रीफली स्टडी करेंगे, लेकिन जो नॉइस इन एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम है वो आपका डायरेक्टली मेंशन है, तो इसे हम डिटेल्ड में स्टडी करेंगे, डिटेल में इसका एनालिसिस करेंगे। तो नॉइस के अंदर हम सबसे पहले तो नॉइस का एनालिसिस करेंगे कि नॉइस क्या होती है, उसके अलावा नॉइस के टाइप्स क्या हैं। ठीक है, बट जो मेजर टॉपिक होगा वो होगा आपका फिगर ऑफ मेरिट। इस चैप्टर में हम डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूलेशन स्कीम्स के लिए जो हमने एनालॉग कम्युनिकेशन में स्टडी की है फिगर ऑफ मेरिट कैलकुलेट करेंगे, उनकी वैल्यूज का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका नॉइज वाला चैप्टर है ये एक्चुअल में फिगर ऑफ मेरिट बेस्ड चैप्टर ही है। इसके अलावा हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन डिजिटल कम्युनिकेशन स्टडी करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि डायरेक्ट मेंशन नहीं है आपके सिलेबस में, बट स्टिल हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कैलकुलेट करेंगे ASK, PSK एंड FSK के लिए, और दोनों ही टॉपिक में हम रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो ये चैप्टर से आप एवरी ईयर तो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे क्वेश्चन, लेकिन स्टिल अगर क्वेश्चन आया भी तो एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2 मार्क्स का। ठीक है, नाउ 7th चैप्टर, इसमें हम मूव कर जाएंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ फॉर कम्युनिकेशन सिस्टम इज रैंडम वेरिएबल एंड रैंडम प्रोसेस। तो रैंडम वेरिएबल एंड रैंडम प्रोसेस का हम एनालिसिस करेंगे चैप्टर नंबर 7 में। जैसा कि मैंने आपको कहा ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कम्युनिकेशन सिस्टम का, अगर आप कोई भी एग्जाम देंगे तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करेंगे, आप कभी भी कोई भी इंटरव्यू देंगे, और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट हैं और आप बोलते हैं कि कम्युनिकेशन सिस्टम आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, तब भी आप इस टॉपिक में से क्वेश्चन एक्सपेक्ट करेंगे। बट आपके सिलेबस में ये टॉपिक डायरेक्टली मेंशन नहीं है, ओनली रैंडम सिग्नल एक टॉपिक मेंशन है, तो यहां पर रैंडम प्रोसेस को आप इतना डिटेल में एनालिसिस ना भी करें तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आपको रैंडम वेरिएबल को डिटेल में स्टडी करना होगा। तो यहां पर रैंडम वेरिएबल में हमें जो स्टडी करना होगा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, इसके अलावा स्टैटिकल एवरेजेस लाइक मीन वेरियंस, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन स्क्वायर वैल्यू, ये सारी चीज़ें हमें स्टडी करनी होंगी। इसके अलावा भी काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं रैंडम वेरिएबल में और रैंडम प्रोसेस में। रैंडम प्रोसेस में हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक ही स्टडी करेंगे व्हाट इज़ रैंडम प्रोसेस एंड टाइप्स, और बेसिकली इन दोनों टॉपिक में ही आपके काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस हैं। अगर आप कोई भी टेक्निकल इंटरव्यू देंगे या कोई भी एग्ज़ाम आप टेक्निकल फेस करेंगे तो आपको इन टॉपिक्स में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं या इंटरव्यू में पूछे जाने वाले हैं। तो इसके लिए मैं आपके लिए ये करूँगा कि जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स वो मैंने आपको बता दिए, लेकिन मैं आपको सारा का सारा मटेरियल दे दूँगा। ठीक है, और आप इन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस रखिएगा UGC नेट तक, लेकिन उसके बाद अगर आपको एग्ज़ाम देना चाहते हैं या आपको इंटरव्यू के लिए अपीयर हो रहे हैं तो आप उन सारे टॉपिक्स की वीडियो भी स्टडी कर सकते हैं।
तो यहां पर इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस को समझते हुए मैं आपको सारा का सारा डिटेल्ड में एनालिसिस कराऊंगा रैंडम वेरिएबल एंड रैंडम प्रोसेस. नाउ नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, यहां हम स्टडी करेंगे इंफॉर्मेशन थ्योरी. इंफॉर्मेशन थ्योरी ये टॉपिक डायरेक्टली आपके सिलेबस में मेंशन है, तो इस टॉपिक का आपको डिटेल्ड एनालिसिस करना है यहां पर, ठीक है. आपको सारी थ्योरी स्टडी करनी है और साथ ही साथ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स. तो इंफॉर्मेशन थ्योरी में जो मेजर टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, इंफॉर्मेशन, एंट्रोपी, बिट रेट, या इसे हम इंफॉर्मेशन रेट के नाम से भी जानते हैं, चैनल कैपेसिटी एंड थ्योरम जो कि आपको शैनन ने दिया है, ठीक है. तो ये सारी चीजें हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे और इनके न्यूमेरिकल भी डिटेल में एनालिसिस करेंगे. इसके अलावा आपके कुछ हाई लेवल के टॉपिक्स भी हैं, लाइक जॉइंट एंट्रोपी, ठीक है, म्यूचुअल इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें भी हम स्टडी जरूर करेंगे, ठीक है. तो ये सारी चीजें स्टडी कर लेने के बाद इंफॉर्मेशन थ्योरी का जो आपका बेसिक्स है या इंफॉर्मेशन थ्योरी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो आपकी हो जाएगी, ठीक है. लेकिन एक और टॉपिक मैं आपको एक्स्ट्रा स्टडी कराऊंगा जो कि होता है आपका कोडिंग. तो यहां पर आप दो तरह की कोडिंग भी स्टडी करते हो, शैनन फैनो कोडिंग एंड हफमैन कोडिंग, ठीक है. तो ये टॉपिक भी मैं आपको स्टडी कराऊंगा. और ये जो इंफॉर्मेशन थ्योरी टॉपिक है आपका, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है. आप इसमें से न्यूमेरिकल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और थ्योरी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो इस टॉपिक में से आप एवरी ईयर 2 मार्क्स के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकता है, बट 2 मार्क्स के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट जरूर करेंगे, ठीक है. तो ये आपका लेंथी टॉपिक होगा, लेंथी चैप्टर होगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ये डायरेक्टली मेंशन है और सारे की सारी चीजें आपको स्टडी यहां पर करनी होगी, ठीक है. स्पेशली इस टॉपिक तक तो आपको डिटेल में स्टडी करनी होगी, ठीक है. नाउ नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 9. इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे मल्टीप्लेक्सिंग. ऑल्दो मल्टीप्लेक्सिंग मैं आपको चैप्टर नंबर 1 में ही इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मल्टीप्लेक्सिंग लाइक फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है. और साथ साथ में हम इस चैप्टर में मल्टीपल एक्सेस भी स्टडी कर लेंगे. लाइक अगर आपने फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग स्टडी की है तो साथ साथ में हम स्टडी कर लेंगे फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस और टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के साथ टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस. अगर हम डिटेल में यहां पर डिस्कशन करें तो जो आपका FDM है वो आपका एनालॉग कम्युनिकेशन का टॉपिक है और TDM जो है आपका डिजिटल कम्युनिकेशन का टॉपिक है. तो वैसे तो ये चैप्टर हम सेपरेटली भी स्टडी कर सकते हैं और अगर हम चाहें तो एनालॉग कम्युनिकेशन को स्टडी करते टाइम ही हम FDM स्टडी कर सकते हैं और डिजिटल कम्युनिकेशन को स्टडी करते टाइम ही हम TDM भी स्टडी कर सकते हैं. तो ये टॉपिक आपका थ्योरिकल टॉपिक है, मेजरली इससे आप थ्योरी क्वेश्चन ही एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन फिर भी आप सिंपल बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इस चैप्टर में, थ्योरी तो बहुत ही डिटेल में एनालिसिस करेंगे सारे ब्लॉक डायग्राम्स के साथ, लेकिन साथ ही साथ कुछ बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेंगे. तो इस टॉपिक से आप एवरी ईयर 2 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग. नाउ जो लास्ट चैप्टर है आपका आपके सिलेबस के हिसाब से वो है आपका डेटा कम्युनिकेशन. तो डेटा कम्युनिकेशन के अंदर आपको कोड्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको कोड्स स्टडी करने हैं, मोडेम्स, इनका आपको थ्योरिकल नॉलेज लेना है, ठीक है. उसके अलावा आपको यहां पर ही मैं आपको बता दूंगा बेसिक्स ऑफ सिग्नल प्रोसेसिंग. वैसे तो ये आप सेपरेट चैप्टर में ही स्टडी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो यहाँ पर आपका जो कम्युनिकेशन है वो फिनिश हो जाएगा सिलेबस वाइज, ठीक है. तो डेटा कम्युनिकेशन हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 10th में और चैप्टर नंबर 10th के सेकंड पार्ट में हम स्टडी कर लेंगे बेसिक्स ऑफ सिग्नल प्रोसेसिंग, ठीक है. वैसे तो अगर आप सिग्नल सिस्टम स्टडी करेंगे तो आपको बेसिक्स ऑफ सिग्नल प्रोसेसिंग को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली
ऑल दो सिग्नल सिस्टम का कंप्लीट सिलेबस नहीं है, ठीक है ना, आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है सिग्नल सिस्टम कंप्लीटली, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप सिग्नल सिस्टम को कंप्लीटली स्टडी करिएगा, क्योंकि सिग्नल सिस्टम में आप कुछ ऐसे बेसिक कंसेप्ट पढ़ते हैं जो कि बाकी अदर सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। तो आप भले ही सिग्नल सिस्टम के टफ टफ न्यूमेरिकल ना सॉल्व करें, बट सिग्नल सिस्टम के जो कंसेप्ट हैं, जो थ्योरी हैं, वो आप डिटेल में एनालिसिस जरूर कर लें बिफोर अपीयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो यहां पर हमने डिस्कस कर लिया कि हमें सिलेबस वाइज क्या स्टडी करना है और कितना स्टडी करना है, लेकिन मैं फिर से इस पॉइंट को रिपीट करूंगा आपके लिए कि डिटेल में मैं सारी चीजें कवर करूंगा आपके लिए। आप सिलेबस वाइज इतना ही कवर करिए यूजीसी नेट के लिए, लेकिन ये सब्जेक्ट इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए एज अ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन स्टूडेंट कि मैं चाहता हूँ कि मैं आपको कंप्लीट सिलेबस की वीडियो दूँ, ताकि अगर आप कोई और एग्ज़ाम के लिए भी अपियर हो फ्यूचर में तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। एक लास्ट सजेशन भी दूंगा आपको मैं कि ये मिथ अपने दिमाग से बिल्कुल हटा दीजिए कि ये आपका थ्योरी एग्ज़ाम है। ये थ्योरी एग्ज़ाम नहीं है, इसमें आपके काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ठीक है, जो इजी लेवल के होते हैं, नो डाउट अबाउट दैट, और आपके बहुत सारी थ्योरी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो काफ़ी से ज़्यादा लॉजिकल होते हैं। जब तक आपको एक एनालिसिस करने की हैबिट नहीं आएगी, एक लॉन्ग न्यूमेरिकल सॉल्व करने की हैबिट नहीं आएगी, जब तक आपको लॉन्ग डेरिवेशंस को समझने की हैबिट नहीं आएगी, तब तक आप वो लॉजिकल थ्योरी क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इस पॉइंट को हमेशा माइंड में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस वीडियो को मैं फिनिश कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट कर देंगे चैप्टर नंबर 1 से। थैंक यू।